TV. आज एक पैसेज हम पढ़ने जा रहे हैं और मैं चाह रहा हूं कि इस पैसेज को हम सब लोग खड़े होकर इज्जत देकर पढ़ें। तीन मुद्दे में बात करूंगा जो आपके जीवन के लिए। सब लोग वचन को रिस्पेक्ट देते हुए हम पढ़ेंगे 21वां अध्याय, उत्पत्ति 21वां अध्याय, और आप यदि स्टडी करना चाहते हैं तो 16वां अध्याय भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन 21वां अध्याय 9 से 19 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, और 19वां वचन अंग्रेजी में भी पढ़ा जाए लेकिन आप पढ़िएगा। यस। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा ने तुझसे कही है उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। अतः अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरे चमड़े की थैली हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसे विदा कर दिया। हजीरा चली गई और बेर्शेबा के निर्जन प्रदेश में भटकने लगी। जब थैली का जल चूक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और स्वयं उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के के मृत्यु देखनी न पड़े। वह उसके सामने बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर ने सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, अतः उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। प्रभु इस वचन को आशीषित करे। अंग्रेजी में है डॉक्टर अर्चना, यह पासवर्ड मेरा पढ़ ले। हां। Then God opened her eyes and she saw a well of water and she went and filled the skin of water and gave the boy to drink. प्रभु इस वचन को आशीष दे। आइए अपने जगह पर हम लोग बैठ जाएं। खुदा के कलाम के पास मैं आपका ध्यान लेकर आना चाह रहा हूं। दो या तीन मुद्दे मैं बता रहा हूं। ये प्रचार खास करके शनिवार की आशीर्वाद सभा का दिन है, इस बात को अपने अंदर गांठ बांध करके रख ले कि गॉड वॉन्ट टू ब्लस यू। प्रभु को आपको आशीषित करना है। बगल वाले को देख कर बोलो कि प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। गॉड वॉन्ट टू ब्लस यू। कल की यूट्यूब पर मैंने जो प्रचार किया उसको भी जरूर सुनिएगा। एनकरेज योर सेल्फ। पहचानिए कि आपका खुदा कौन है। कोई है जो अपने दोनों हाथों को उठाएगा कहेगा हालेलुया। पहचानिए उसको। अर्पित जब अपने डैडी के पास आएगा तो आई बिलीव वड़ा पाव नहीं मांगेगा, और कभी वड़ा पाव मांगता भी नहीं है। अर्पित आएगा तो बर्गर मांगेगा। फिर या मैं उसको जब फोन कर रहा हूं तो बेटा कौन सा वड़ा पाव खाएगा, सिद्धि विनायक का कि जोशी का कि करजत का, ये नहीं पूछता। कौन सा वाला बर्गर खाएगा, ये वाला बर्गर खाएगा, वो वाला बर्गर खाएगा, ये वाला बर्गर खाएगा, ये वाला पिज्जा खाएगा। अर्पित को उसके बाप की कैपेसिटी मालूम है। आज हम लोग कई बार पीछे कदम, मैंने इज़राइल की पूरी कहानी बताई और 3-4-5 गवाहियां मैंने बताई, और ये गवाहियां तभी होती है जब आप कदम उठाते हो। यदि आप कदम नहीं उठाओगे तो आपने अपने खुदा को कम आंका है, उसको आप ठीक से आंक नहीं पाए। गॉड वॉन्ट टू ब्लस यू। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है।
प्रभु आपको, यदि आप यहां पर हो तो प्रभु आपको एक स्तर और ऊपर लेकर, अनदर लेवल, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? मुट्ठी को बंद करिए। कोई है जो कहेगा ही वांट टू ब्लेस यू? या तो अपने एक तोड़े को दबा कर रखा हुआ है, या तो फिर आप दो या पांच तोड़े जो आपको दिए हैं उसको लेकर आप डबल करने के ताक में हो। कोई है जो कहेगा मैं? कोई है जो कहेगा हालेलुया? जीसस वाज वेरी क्लियर ऑन हिज टीचिंग्स। उसके शिक्षण में यीशु बड़ा क्लियर था। उसने कहा मांगो तो तुम पाओगे। मैंने कल यूट्यूब पर बढ़िया मैसेज दिया, छोटे वाले बेटे ने, उड़ाऊ पुत्र ने मांगा तो पिता ने दिया। यदि आप मांगोगे नहीं तो तुमको मिलेगा नहीं। और आज मैं एक ऐसा वाक्य आपके पास लेकर आ रहा हूं जिसको हम मसीह लोग एक अलग एंगल से देखते हैं, लेकिन मैं आज उसका एक दूसरा एंगल मैं आज आपके साथ प्रचार कर रहा हूं ताकि आपको यह मालूम पड़े कि यस, माय गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग। मेरा प्रभु ये समृद्धि से भरा हुआ है, रिचनेस से भरा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। यदि उसके पास सोने के रास्ते रहने के लिए आपके लिए महल बना रहा है तो इस पृथ्वी पर, इस पुणे में, ये आप जहां पर भी रहते हो, ही वॉन्ट टू ब्लेस यू, ही वॉन्ट टू ब्लेस यू विद अ पावरफुल ब्लेसिंग। लेकिन आपको उसको पहचानना पड़ेगा। कोई है जो कहेगा मैं? कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद और कहेगा yes. आज अपने आप को एंकरेज करिए, ही वॉन्ट टू ब्लेस यू। जहां चाह वहां पर रहा। एक हाथ गवाही में और भी लूंगा बाद में। और सुनिए, ये पूरी कहानी आप लोग कई बार सुन चुके होंगे जो प्रभु के वचन को जानते हो। जो नए विश्वासी उनके लिए पूरी नई कहानी होगी, तो उनको भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो प्रभु के वचन को जानते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। और बाइबल जो कहती है, यीशु मसीह का वचन ये कहता है, जहां पर मैं प्रचार करना चाह रहा हूं वो आयत में चाह रहा हूं कि पढ़ी जाए 14 और 15। और मैं आपसे तीन बातें बांटने की कोशिश कर रहा हूं बहुत जल्द, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रे। हम दुआ करने के लिए जाएंगे। अतः अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़ी की थैली हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा कर दिया। हजीरा चली गई और बेर्शेबा के निर्जन प्रदेश में भटकने लगी। जब थैली का जल चूक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। 16 भी पढ़ लें। और स्वयं उसने तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखने न पड़े। वह उसके सामने बैठी हुई फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर बस बस बस, हाँ प्रभु ने दे दिया आशीर्वाद। मगत विश्वस्त हो, मगाशीष दिला। एक पानी की बोतल यदि मिल जाए। और अब सुनिए, इस कहानी को मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और बाइबल यू कहती है कि अब्राहम को एक बीवी दी है जिसका नाम था सारा। कोई है जो कहेगा सारा? सारा, सारे। और उसको औलाद नहीं हो रही है। और एक दिन सारा ने अब्राहम से कहा कि अजी सुनते हो सकता है कि मेरी कोख प्रभु ने बंद रखी है, हो सकता है कि प्रभु को आपको बच्चा देना है, तो मेरी दासी हाजिरा है उसके साथ आप सहवास करिए, उसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाइए, और उससे जो औलाद होगी उससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। असली कहानी बता रहा हूं मैं। और बाइबल यू कहती है कि अब्राहम एक अच्छे पति के जैसे अपनी पत्नी का कहना उसने माना, अच्छा ठीक है, और गया अपनी दासी के साथ सहवास किया, और दासी और अब्राहम के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इश्माइल। कैन इस्माइल? इस्माइल, हाँ। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हंसने को तैयार नहीं है। इस्माइल, यही नाम था इस्माइल। अब इस्माइल
का जन्म हो गया, उसके जन्म के 14 साल के बाद तकरीबन राइट इज़हाक का जन्म हुआ। 1 से 8 वचन आप पढ़ सकते हो 21वां अध्याय की, हमने 9 से पढ़ना शुरू किया, 1 से 8। और इज़हाक का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद कहानी सुन लीजिए, समझ लीजिए, हिस्ट्री है, हकीकत है। और इस जमीन पर से हम होके गुजरने वाले हैं अभी 2 अक्टूबर को। और लिखा है कि यह बच्चा बड़ा हुआ और उधर सारा जो अब्राहम की एक्चुअल पत्नी है उनको भी एक बेटा हुआ, इज़हाक हुआ, और वो भी बड़ा हो रहा है। और ये थोड़ा सा 14 साल से बड़ा था, अब ये बच्चा भी बड़ा हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है। और एक दिन ये इस्माइल हंसी करता हुआ नजर आया, मजाक कर रहा होगा, कुछ तो भी कर रहा होगा। और सारा को अब ये बुरा लग रहा है कि मुझे भी बेटा हो गया है। पहले तो उसने कहा कि दासी का बेटा जो होगा वही वंश चलाएगा, लेकिन जब उसको खुद को बेटा हो गया, उसने खुदा के सामर्थ्य को, पावर को उसने महसूस किया, फील किया। और एक दिन दासी का पुत्र हाजिरा जो अब्राहम के उसी के पति के द्वारा हुआ, एक बार हंसी करते हुए नजर आया तो उसको लगा कि अरे बाबा ये तो अब ज्यादा मजाक कर रहा है, इसको रख के मैंने गलती कर दी इसको। अब वो सब चीजें अंदर आ रही है। और फिर प्रभु ने भी उसके इस बात को ठीक समझा और फिर उसने अपने पति अब्राहम से कहा कि इसको अब घर से निकाल दीजिए। और प्रभु भी उसमें शामिल था, प्रभु ने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट है, इसको निकाल दे। और अब एक अकेली औरत हाजिरा अपने छोटे लड़के को लेकर वहां से निकली, तो अब्राहम ने पति ने उसको रोटी दी, आजा बेटा रोटी दी, रोटी दी। और उसको क्या दी, रोटी, हाँ रोटी झल आता, रोटी में अच्छा पति आएगा। और पानी से भरी, हाँ पानी से भरी, चमड़ी की थैली, चमड़े की थैली, ये प्लास्टिक की नो प्रॉब्लम, हम समझेंगे चमड़े की है। अब्राहम ने उसको दी, अब्राहम आप जाइए म्यूजिक बजाइए, और ये थैली लेकर ये चली गई और अपने बेटे को लेकर जा रही है। सुनिए मेरे पास सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं कोई मिस्ट्री नहीं बता रहा, मैं खाली प्रीचिंग कर रहा हूं, 2 या 3 मुद्दे बचा करने की कोशिश करूंगा, जल्दी से सुनिएगा उसको। और पानी उसको दिया और वो चले गए। और जाने के बाद बेर्शेबा के जंगल में आए। एंड बाइबल स्टूडेंट्स, बड़े वाले सीनियर्स वाले, कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो सीनियर हैं हमारे पास्टर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं 20 साल पहले, आप बेर्शेबा पर पढ़ाई करिए, बेहतरीन चीजें सामने आएगी, वंडरफुल थिंग्स बेर्शेबा पे, यू कैन प्रीच ऑन बेर्शेबा। और बेर्शेबा में वो आई और वो पानी पीने लगे, पानी पीने लगे, पानी पीने लगे, पानी पीने लगे, पी लिया खाली बोतल लेके, आप इधर ही घर बसा लीजिए। हाँ आए हैं इधर, मिल गए मिल गए मिल गए, थोड़ा पानी, लास्ट पानी बचा था और उसने अपने बेटे को वो पानी पिला दिया। प्रभु भोजन नहीं बेटा, प्यून टक बिंदस तू, पानी खत्म हो गया, पानी समाप्त हो गया, अब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है। बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी, पीने के लिए पानी नहीं है, बेटा को उसने दूर एक जगह पर उसने खड़ा कर दिया। अब पानी खत्म हो गया है, बिना पानी के उस निर्जन प्रदेश में, उस रेगिस्तान में वो और उसका बेटा कैसे जिंदा रहेंगे, इस सोच में वो परेशान हो रही है, वो पागल हो रही है, वो निराशा में है, दुख में है। और अभी अभी हमने 16वीं आयत देखी कि लिखा है कि हाजिरा इस बात को लेकर कि अब मेरा बेटा बिना पानी के, एक बार रोटी ना मिले तो भी आदमी जिंदा रहे, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन पानी मनुष्य के लिए ज़रूरी है। और हाजिरा इस बात को लेकर अब रो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि उसके आँखों के सामने उसका बेटा बिना पानी के बाद मरने वाला है, पानी समाप्त हो गया है और वो चकनाचूर हो गई है, वो उसकी जिंदगी बिल्कुल
आवाज आ रही है बिल्कुल ऐसे ही चकनाचूर की आवाज उसके मुंह से निकल रही है, उसके पास पीने के लिए पानी नहीं, उसका बेटा मरने वाला है। इस कश्मकश में ये हाजिरा अब करे तो क्या करे, थैली समाप्त हो गई है, पानी खत्म हो गया है, अब करे तो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु उसके वचन के द्वारा आपके साथ बातचीत करना चाहता है। उसके पास उसके पति ने उसको विदा कर दिया, उसको भेज दिया, लेकिन दिया तो क्या दिया, रोटी जो खत्म हो गई है, पानी जो खत्म हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको पॉइंट नंबर वन में बोलना चाह रहा हूँ कि डोंट डिपेंड ऑन मैन, किसी भी मनुष्य पर आप निर्भर मत रहिए, भले ही वो आपका पति क्यों ना हो, भले ही वो रिश्ते में आपके साथ बहुत करीब क्यों ना हो। हाजिरा के साथ अब्राहम का एक रिश्ता था, इस बच्चे का बाप अब्राहम था, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, उस बाप ने इस पत्नी को, इस हाजिरा को, इस दासी को वो जो दिया वो खत्म हो गया। इस दुनिया से जो लोगे एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अपनी दृष्टि अपनी आंखें किसी आदमी पर मत लगाइए, अपने बच्चों पर मत लगाइए, अपनी पत्नी पर मत लगाइए, अपने पति पर मत लगाइए, अपने रिश्तेदारों पर मत लगाइए, लेकिन अपनी दृष्टि उस पर्वत की ओर लगाइए, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता वही खुदा आपकी सहायता और मदद करेगा। He will provide all your needs. Man cannot provide. आदमी जो देगा वो समाप्त हो जाएगा। कोई है जो कहेगा Come on, make some noise. कोई है जो कहेगा Hallelujah. मुट्ठी को बंद करे, कोई है जो कहेगा पति पर भरोसा किया, अब्राहम पर भरोसा किया, लेकिन अब्राहम ने जो दिया वो खत्म हो गया। अब्राहम ने जो दिया, जो एक थैली पानी की दी थी, वो थैली समाप्त हो गई, वो समाप्त हो गई। कई बार मेरे भाई मेरी बहन, आप लोग मनुष्य पर विश्वास डालते हो, मनुष्य पर विश्वास रखते हो। मेरे भाई मेरी बहन, कितनी आयतें आपको गिनाऊं कि मनुष्य पर भरोसा करने से अच्छा है कि परमेश्वर के शरण में चले जाओ, वही आपकी मनोकामना, आपकी इच्छाओं को, आपकी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। उसके सो कॉल्ड पति ने, अब्राहम ने जो थैली दी वो समाप्त हो गई। तीन धर्मों के लोग अब्राहम को मानते हैं, तीन धर्मों के लोग अब्राहम को मानते हैं, यहूदी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, और ये क्रिश्चियंस मानते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, क्या फ़ायदा, अब्राहम ने जो दिया वो भी समाप्त हो गया, अब्राहम ने जो दिया वो भी समाप्त हो गया। अब हाजिरा रो रही है कि मुझे जो मिला था, जो थैली मिली थी, जो पानी मिला था, वो समाप्त हो गया, अब मैं कैसे जीऊँगी, मेरा बेटा कैसा जिंदा रहेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रभु ने दृष्टि की, प्रभु ने देखा, उस बच्चे को देखा। ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, प्रभु ने किसको देखा। आपने ये शास्त्र भाग ठीक से पढ़ा नहीं, आपने ठीक से ध्यान लगाया नहीं। प्रभु को हाजिरा की दया नहीं आई, खुदा को हाजिरा की दया नहीं आई, खुदा को दया आई तो उस लड़के की दया आई, जो छोटा लड़का बिना पानी के मरने वाला था, और माँ भी उसी लड़के की वजह से परेशान थी। सुनिए, अभी खत्म नहीं हो, खड़े रहिए, सुनिए सुनिए, प्रभु को उस लड़के की दया आई। आज मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या आपके लड़के, क्या आपकी लड़कियां, क्या आपके बच्चे खुदा के घर में हैं? यदि हां तो यकीन रखिए, मेरे प्रभु को आपके बच्चों की दया आएगी, आपके जवान बच्चों की, आपके लड़के बालों की दया आएगी। और प्रभु को दया आई उस बच्चे की। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा हालेलुया, ये प्रभु को दया आई, प्रभु को दया लगी। और प्रभु ने देखा कि ये लड़का मर रहा है,
प्रभु ने देखा कि लड़का मर रहा है, प्रभु ने कहा डोंट वरी, बगल वाले को बोलो कि डोंट वरी, बगल वाले को बोलो चिंता मत करो, चिंता मत करो, मेरे भाई मेरी बहन कोई है जिसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई है, आपको लग रहा है कि आप मरने वाले हो, आपको लग रहा है कि आपका परिवार समाप्त होने वाला है, आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया जितनी 4-5 गवाही बताई कि पैसा नहीं था, और हमने प्रभु ने उस वक्त उसके पहले मुझे ये वचन दिया था, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बाइबल यू बताती है कि अचानक पैसा आ गया, ये चर्च में से नहीं आया, ये लोगों में से नहीं, अनजान व्यक्ति, मैं भी जानता नहीं, लेकिन अनजान व्यक्ति ने ये पैसा दे दिया। मेरे भाई मेरी बहन, आप जिस खुदा की सेविकाई करते हो, जिस खुदा की इबादत करते हो, जिसके लिए आपने गीत गाए, जिसके लिए आपने ताली बजाई, वो दया का सागर है, उसको आपके बच्चों की दया जरूर आएगी, उसको आपकी दया जरूर आएगी। चख कर देखिए कि यहोवा कितना भला है, यकीनन आने वाले दिन आपके जीवन के लिए बेहतरीन दिन है। आप मरने वाले हो, आप भूख से मर रहे हो, आपके पास पैसा खत्म हो गया, आपके पास आशा समाप्त हो गई, लेकिन डरिए मत, यदि आप खुदा के मंदिर में रोपे गए हो तो यकीनन मेरा खुदा आपके लिए आसमान के दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। मलाकी 3:10 के अनुसार ओ प्रभु आपके लिए आसमान के झरोखे खोलकर आशीषों की बौछारें करना चाहता। कमान कोई है जो जोरदार, कमान कोई है जो मेरे खुदा को, कमान हालेलुया, ये ओ ओ हालेलुया, कमान कोई है जो कहेगा उस दासी की दया नहीं आई खुदा को, खुदा को दया आई उस बेटे की। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हाथों को उठा के वाह जय मसीह के। दुनिया पर आंखें लगाओगे, दुनिया जो देरी है वो समाप्त हो जाएगा। चर्च ने फिलिपस को केवल 200 दिनार दिए, चर्च का थैंकफुल हूं मैं, लेकिन कितने दिए? 200 दिनार। भीड़ थी 5,000, चेले बिल्कुल थे लाचार। मम्मी ने गाया हुआ गीत की लाइन बोल रहा हूँ, उनको सूझा ना कोई उपाय, एक लड़का वहां आया, रोटी मछली साथ लाया, यीशु ने दिया, भीड़ को खिला। मेरे भाई मेरी बहन, कितने पैसे? उसने कहा 200 दिनार। इसमें 5,000 की भूख नहीं मिट सकती। आंद्रियास बोला कि नहीं, 2 मछली 5 रोटियां, बोले लेकर आओ, लेकर आओ। यदि आपके बच्चे खुदा के मंदिर में हैं, गॉड इज देयर टू मल्टीप्लाई, उनकी ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई करने के लिए मेरा प्रभु तैयार है। बच्चे मंदिर में होने चाहिए, कोई है जो कहेगा आमीन। शमूएल कहां भी सो रहा होगा तो वो आशीष नहीं मिलती, लेकिन शमूएल सो रहा था खुदा के मंदिर में। आप दलीला की गोद में सो गए हैं शिमशोन की तरह, तो मेरे भाई मेरी बहन, शैतान आपको जकड़ लेगा, आपको जंजीरों में बांध लेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ खुदा को दया आई तो उस बेटे पर दया आई। कोई है जो कहेगा जय मसीह के, कोई है जो कहेगा आमीन। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ पॉइंट नंबर 2, कितने लोग सुनने को तैयार हैं? पॉइंट नंबर 1, मैंने कहा सिंपल मैसेज लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज मैं दे रहा हूँ। और पॉइंट नंबर 1, आदमी पर भरोसा मत करिए, चाहे फिर वो अब्राहम ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, जिसके साथ आपका संबंध है वो भी क्यों ना हो, भरोसा करना है तो आसमान के खुदा के ऊपर भरोसा करिए, वही तेरी मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और मेरे भाई मेरी बहन, जब हाजिरा ने अब्राहम के पास देखा तो उसने क्या दिया? उसने उसको केवल एक बोतल दी, और वो बोतल जो थी, वो पानी जो की थैली जो थी वो भी समाप्त हो गई, वो भी खत्म हो गई। निचोड़ निचोड़ के उसने पानी पिया होगा, निचोड़ निचोड़ के बूंद, लेकिन उस स्टेज पर आ गए कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। सोनावने परिवार उस स्टेज पर आ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, कल जाना है, पैसा देना है, लेकिन मैं खुश हूँ कि इस स्टेज ने, उस स्तर ने, उस लेवल ने उनके हौसले पस्त नहीं किए, लेकिन उनका विश्वास को बढ़ाया। ये बूंद बूंद खत्म हो गई है, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे शरीर में बीमारी है, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे जीवन से खुशियां चली गई है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा भरोसा उस खुदा पर बना रहेगा, क्योंकि वो मेरी मनोरथों को पूरा करने वाला कोई है। कमान कोई है जो कहेगा हालेलुया, मुट्ठी को बंद करें, कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब्राहम ने जब दिया,
अब्राहम ने जब दिया तो वो समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन हमने 19वीं आयत पढ़ी आखिरी, और लिखा है कि प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, बोल तुम ही एंजॉय करो वचन। प्रभु ने कहा, अब्राहम ने जो दिया वह समाप्त हो गया। प्रभु ने कहा अब मेरी बारी है। बगल वाले को बोलो, आपने अपनी कोशिश बहुत कर ली है, ना बल से, ना शक्ति से, ना पराक्रम से, प्रभु की अब बारी। बगल वाले को बोलो प्रभु की बारी है, बोलो प्रभु की बारी है। आमीन, हालेलुया। किसकी बारी है? हाँ, हालेलुया। अब यीशु को काम करने दे। वो औरत माइनर पे है, मेजर पे जाइए। वो औरत जो 12 साल से लहू की बीमारी से पीड़ित थी, लुका कहता है कि डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई, उसका पैसा खत्म हो गया लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। मनुष्य पर डिपेंड थी, she got nothing, एक बूंद भी बहना बंद नहीं हुआ, it was still flowing and flowing and flowing। लेकिन इस औरत ने कहा, wow, वो जा रहा है डॉक्टरों का डॉक्टर, वो जा रहा है इस दुनिया को बनाने वाला, यदि मैं उसके वस्त्र के कोने ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। प्यासी हिरनी हो यीशु, तेरे प्यार की दिल में चाहत है, तेरे दीदार की। प्यासी हिरनी हो यीशु, तेरे प्यार की दिल में चाहत है, तेरे दीदार की। इस औरत ने कहा, मुझे तो चंगाई की प्यास लगी है, दुनिया के पास गई, अब्राहम के पास गई लेकिन कुछ नहीं हो सका, लेकिन यहाँ तो वो है जो अब्राहम से बड़ा है। प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो, दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे। सब लोग बोलो, अपनी सुख जाने दो, अपनी सुख जाने दो, दुनिया वालों, दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों यीशु के पास, बारह साल से। सोचिए, एक बोतल खून निकलने के बाद डॉक्टर आपके शरीर से खून नहीं निकालते, बड़ा डोनेशन देना चाहते हो फिर भी नहीं। इस औरत के शरीर से 12 साल से लहू निकल रहा था, सोचिए कितनी कमजोर होगी। आर्थिक रूप से पैसा तो समाप्त हो गया, लेकिन शारीरिक रूप से उसकी ताकत खत्म हो गई। लेकिन इस औरत ने कहा, दुनिया ने कुछ नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन दुनिया बनाने वाला जा रहा है, वो यकीनन मुझे चंगाई देगा। और लॉ, नियम, मूसा का नियम कहता था कि ऐसी औरत भीड़ में नहीं जा सकती, लोगों के बीच में नहीं जा सकती, लेकिन इस औरत ने दुनिया की परवाह नहीं की, लॉ की परवाह नहीं की। दुनिया वाला बनाने वाला जब जा रहा है, उसने कहा मैं तो केवल उसके पास जाऊंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ। इस औरत ने कहा, हाथ उसको लगाए दो। सुनो, कुछ देर में आप लोग चाहोगे कि हम आपको हाथ लगाएं, हम बिल्कुल छुएंगे। आज के दिन का इंतजार करते हैं, उपवास के साथ आते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, और 9 से 12 की सर्विस तो हमको और भी लेट हो रहा है, लेकिन हम इसी उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि हम आएंगे और आपको छुएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल। लेकिन खुदा आज ऐसे लोगों को ताक रहा है, तलाश रहा है, जो पास्टर का इंतजार नहीं करेंगे लेकिन ये कहेंगे कि हम जाएंगे और खुदा को छुएंगे।
हाथ उसको लगाए, तुझको उसको लगाने दो। दुनिया वालों, दुनिया वालों नरो को मुझे, दुनिया वालों नरो को मुझे, अब यीशु के पास, अब यीशु के पास जाने, अब यीशु के पास जाने। आखिर एक और गाना, हाथ यीशु को जो ही लगाया, कुवत मतलब ताकत, उसकी कुवत ने मुझको छुड़ाया, हाथ यीशु को यूं ही लगाया, लगाया, उसकी कुवत ने मुझको छुड़ाया। नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो, दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो। दुनिया वालों, दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास, अब यीशु के पास जाने दो। मेरे पीछे कहिए, जाने दो, 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 हाथ उठा ले, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, बोलो, जाने दो, 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 ओ जाने दो, 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 अब यीशु के पास जाने दो। सब लोग मिलकर, हाथ तो उसको लगाने दो, चंगाई, शिफा, शिफा यीशु से पाने, ताली बजाकर खुदा को, मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के पास चाहिए। आदमी ने जो दिया, अब्राहम ने जो दिया, वो समाप्त हो गया। अब खुदा की नजर जब पड़ी, सुनिए सुनिए, खुदा की नजर जब पड़ी तो आदमी ने बोतल दी थी, आदमी ने बोतल दी थी, लेकिन खुदा ने जब दिया तो बोतल नहीं दी, पूरा का पूरा कुआं, पूरा का पूरा कुआं। ये है आपके खुदा की शान, ये है आपके खुदा की औकात। आदमी ने बोतल दिया, लेकिन खुदा ने कुआं दिया, कुआं। कोई है जो कहेगा मुट्ठी को बंद रखे, कोई है जो कहेगा मैं। मनुष्य ने जो दिया, वो खत्म हो गया, लेकिन खुदा ने वो दिया जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, हे सामरी औरत,
ये याकूब का कुआं है, लेकिन इस कुएं में पानी भरने वाला जीवित पानी का झरना मैं हूं, और जो पानी मैं पिलाऊंगा उसको पीने के, ये याकूब के कुएं का पानी पीने के प्यासी होगी, लेकिन यीशु मसीह के झरने का पानी पीने के बाद फिर कभी तो प्यासी ना होगी। कोई है जो अपने खुदा के कमल के आप लोग ताली, कोई है, कम ऑन, लेट्स वर्शिप, हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। आदमी ने थैली दी, खुदा ने कुआं दिया। कोई है जो कहेगा अमीन, कोई है जो कहेगा अमीन। और मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं, खुदा की औकात को पहचानिए। पहला पॉइंट, आज बड़े में शांत लहजे में पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मैं इसको प्रीच कर रहा हूं। आई डोंट नो व्हाई आई एम प्रीचिंग दिस टोन, बट समटाइम यू नो गॉड वांट यू टू प्रीच इन डिफरेंट टोन। प्रभु चाहता है कि कई बार हम किसी और लहजे में हम बात करें, यह मेरी स्टाइल या मेरा तरीका नहीं है। लेकिन पहला मैंने बताया कि मनुष्य पर भरोसा मत रखिए। दूसरा, मनुष्य ने थैली दी थी जिसका पानी चूक गया, खत्म हो गया, लेकिन प्रभु ने कुआं दिया जिसका पानी खत्म नहीं होगा। तीसरा, आखिरी बताकर मैं समाप्त कर रहा हूँ, और इस बात पर खड़े हो जाइएगा, और फिर कम से कम पांच लोगों को जरूर मिलेगा जब तीसरा पॉइंट में जब बोल रहा हूँ। अभी भी खड़े हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है जो प्रभु की वाणी आपके लिए आ रही है, दिस रेवलेशन, ये मैं प्रचार सोच कर नहीं आया। तीसरा पॉइंट ये है कि आदमी ने थैली दी थी, प्रभु ने कहा थैली का पानी खत्म हो गया, मैं बच्चे को मरने नहीं दूंगा, और प्रभु ने कुआं दिया। ये इशारा था प्रभु का आदमी के लिए, हाजिरा के लिए, उस बच्चे के लिए, कि अपनी प्यास को बढ़ाओ, इंक्रीज योर कैपेसिटी, अपनी मर्यादा को बढ़ाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। कम ऑन, जाइए पांच लोगों को मिलिए और कहिए अपनी क्षमता को बढ़ाइए, इंक्रीज योर कैपेसिटी, गॉड वांट टू गिव यू मोर। प्रभु आपको ज्यादा देना चाह रहा, प्रभु आपको और देना चाह रहा। आप थोड़ा सोच रहे, आप छोटा सोच रहे, लेकिन आसमानों का खुदा आपको बहुत से देना चाह रहा, आपको आशीषों से लबालब भरना चाह रहा, आपको आपको आसमान के झरनों के खोलकर। कमार कोई, कमार कोई है, कमार कमार को प्रभु को धन्यवाद दीजिए 10 सेकंड के लिए, तो प्रभु की इबादत करिए, आराधना करिए, वो प्रभु को धन्य धन्य धन्य। कमार कमार ऊंचे आवाज से, कमार डू समथिंग फॉर द गॉड, मुझे आवाज नहीं आ रही। हालेलुया वर्शिप, ओ हालेलुया रखा पासे शतरबतरबो शतरबा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, अब उमड़ने का और उमड़ने का और उमड़ समय है, या अब और उमड़ने का समय है ये, ओ आत्मा से भर दिया, ये आत्मा से भर दिया, ओ हा भर दिया पवित्र आत्मा। अब उमड़ने का और उमड़ने का, अब उमड़ने का ऊपर उमड़ने का, या 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 या। कोई है जो कमर, कोई है जो कहेगा हालेलुया। बगल वाले को बोलो अपनी प्यास को भुलाओ, अपनी प्यास को बढ़ाओ, क्योंकि देने वाला आपको कुआं देना चाह रहा है, आपके लिए जीवित पानी का झरना देना चाह रहा है। आप कहोगे क्वायर हम गाएंगे, आप कहोगे मैं इज़राइल नहीं आ रहा क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। लेकिन जेब में किसने कहा इज़राइल आने के लिए पैसा होना चाहिए, या कुछ भी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, शादी करने के लिए, किसने कहा पैसा होना चाहिए। आपके पास बिजनेस करना है तो विश्वास होना चाहिए, गाड़ी खरीदनी है विश्वास होना चाहिए, अपना बैंक बैलेंस मत देखिए, अपना विश्वास टटोलिए, प्रभु आपको यहां से अब उमड़ने का और बैंक बैलेंस नहीं देखा, बहुत खर्चा हो गया था भाई का, डैडी का,
उनके माँ बाप को जब मालूम पड़ा, उन्होंने कहा हम तो साइन का वेट कर रहे थे, प्रभु साइन देने वाला परमेश्वर है, और साइन आने तो पास्टर की तरफ से है, और पास्टर की तरफ से साइन आया। जैसे साइन है, उन्होंने कहा पैसा नहीं है लेकिन अनगा है, इसको लेकर जाओ। अब जो दौड़ने का ऑफर, दौड़ने का आगे ही दौड़ने का समय है, या 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 और उनकी पत्नी आ रहे थे, तीन हफ्ते से रुके हुए। मैं बैठा था, एक और पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, पावर की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट पावर। मैंने इस हफ्ते में पावर को मूव होते हुए देखा। मैंने कहा प्रभु सैटरडे नहीं, मेरे को बीच में पावर चाहिए। तो इनको इजराइल आना था, ऑफिस का प्रॉब्लम सब कुछ छूट गया, सब ठीक हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। दुविधा ये थी, इनका इनका पासपोर्ट है, इनकी पत्नी का पासपोर्ट है, लेकिन छोटा बच्चा रैन पासपोर्ट नहीं था, और वो डालने गए थे। अरे तो पास्टर को मालूम पड़ा, पास्टर ने पूछा, पास्टर प्रकाश, तो उन्होंने कहा अरे वो बच्चा है, छोड़ दो, विश्वास से आगे बढ़ने को बोलूंगा। भाई ने तीनों का पैसा बैंक में डाल दिया, बच्चे का पासपोर्ट भी नहीं। कैन यू बिलीव, ओनली गॉड कैन डू दिस। अनगा का पासपोर्ट के लिए एक महीना लगना चाहिए, वो तीन दिन में विदाउट वेरिफिकेशन वो पासपोर्ट आया। आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, हमको जिस दिन डॉक्यूमेंट देना था उसी दिन रायन का पासपोर्ट, उसी दिन छोटे बच्चे, मतलब बाप तो बाप बच्चे को भी प्रभु छोड़ नहीं रहा। हम सोच रहे कि नहीं बच्चा इसका हो जाएगा, हम सोच रहे बच्चे की जरूरत नहीं है, बच्चे को मिल जाएगा, बाप का मुश्किल बच्चे को नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मैं काम करूंगा तो पूरा काम करूंगा, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। प्रभु की कैपेसिटी को पहचानिए, कोई है जो कहेगा हालेलुया। एक और सुनना है गवाही, हालेलुया। कोई है जो जोर तक, कम ऑन गिव अ गुड क्लैप ऑफरिंग, गुड क्लैप ऑफरिंग। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ये हमारी बच्ची है, इधर आ जाओ बेटा, और ले चला थाम ली तू नवरा जवळ आणि बापाचे पासून लांब राहते का। सुनिए, अब कुछ लोग ने इसको पहले भी देखा था, दो तीन हफ्ते पहले। एक साधारण सी लड़की, मैंने बताया मंगलवार पेठ जुना बाजार, तुम्हारा जो कळतो जो भाषा समझती है चोर बाजार, वहां रहती है, पर ये चोर नहीं है। दिल जरूर चुराया उसने, और उसकी शादी फिक्स हो गई है। शादी की डेट क्या है बेटा? 17 जनवरी। ये बताने के लिए हम यहाँ पर नहीं है, वो बिल्कुल होगी, पहुंच जाना वहां पे। भाई तेजस बहुत जोरदार है, मतलब बहुत ही तैयारी करते बोरगा, लेट्स खुश दिस तुझे बगू अपन नंतर तुला जॉय सांगल नंतर। 8-9 हजार पगार, सुनो, 8-9 हजार तनखा, लेकिन ये बच्ची प्रभु की सेविकाई करती है। आप में ना बेटा जरूर कुछ ईमानदारी है जो प्रभु देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, पास्टर आपके पास्टर नहीं देख रहे, आपके लीडर्स जो है वो नहीं देख रहे, ये लोग नहीं देख पा रहे, या देखते हैं वो, लेकिन हमसे ज्यादा प्रभु देख रहा है। जैसे इस बच्चे को प्रभु देख रहा था, प्रभु ने आपको देखा। ये प्रीचिंग मैं आज कर रहा हूं, लेकिन वो चीज आपके साथ पहले हो गई। 8-9 हजार की तनख्वाह थी उसकी, उसने वही काम किया बहुत सालों तक, बाद में अचानक ये उमड़ने का दौड़ने का इसने नेक्स्ट लेवल पे जाने का सोचा, एंड शी स्टार्टेड वर्किंग अलग जगह पे काम, लेकिन प्रभु की सेविकाई पूरा 100% करती है वो। पिछली बार जब गवाही दी थी, दो तीन हफ्ते पहले पिछला तनखा जब ली थी, तो कितनी तनखा ली थी? 30,000 रुपए। कितनी? 30। सुनो, सेवा कर रहे था फायदा का, तो सेवा कर रहे था फायदा है, जो तनखा ले रहे, जो पेंशन ले रहे, जो बिजनेस कर रहे, वो लोग इजराइल नहीं आ पा रहे, जितने लोग सेवा कर रहे सारे इजराइल जा रहे हैं। हमको ये टेंशन नहीं कि पैसा कौन दे रहा है, सब अपना अपना पैसा दे रहे हैं, ये आ जाएगा, राइट। इसका सेवा करने का फायदा, पिछले बार दो तीन हफ्ते पिछले जुलाई, कब की गवाही थी, जून की, तो उस टाइम उसकी का जो तनख्वाह मिला, उनको मिली 30,000। जिस लड़की के हाथ में 9-10 हजार रुपये आता था, उसके हाथ में 30,000 आया, तो बाप रे मुझे काय बोले, लंगूर के मुंह में अंगूर, मतलब क्या बोले अभी। नहीं, आपको लंगूर नहीं बोला मैं, आपको अंगूर बोला मैं।
कितने लोगों को सुनना है इस हफ्ते में क्या हो गया, और ये मुझे आंखों में आंसू आता है, मैं खुश होता हूं। इस बार नहीं रोया, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये मेरे लोगों में है, और मैं प्रेयर कर रहा हूं इस हफ्ते में क्या हो गया। पिछली बार 30,000 तनख्वाह ली, इस बार पिछली बार उसने कुछ बोला भी था, लेकिन वो मैं क्या बोला मालूम नहीं, जो भी बोला था वो आंकड़ा आप में से कुछ कहो सुना होगा उस आंकड़े। आप यहाँ हो, प्रभु आपको यहाँ, आप कहोगे बुद्धि ज्ञान, बेटा कितना पढ़ी हो? 12th। आगे क्यों नहीं पढ़ी? जॉब के ना कापन शिकली का जॉब की जरूरत थी घर में, पिताजी की नौकरी चली गई, काम चला गया और बच्चों को काम करना पड़ा, लेकिन इन्होंने मिनिस्ट्री करना नहीं छोड़ा, काम करना नहीं छोड़ा। अब सुनिए, कितने लोग सुनना चाह रहे हैं, मैंने कहा आपकी प्यास को बढ़ाइए, आप बोतल वाली प्यास रखोगे उतना ही पानी मिलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ किसी दिन भाई शेखर स्विमिंग पूल में मुझे प्रचार करवाए। ये लोग बाहर बैठे, मैं बीच में, अर्पित भी, अर्पित तो बहुत बढ़िया स्विमर है, गोता खाए उधर पानी बन पहलो। प्यास अगर आप वो ग्लास वाली रखोगे तो उतना ही मिलेगा। प्रभु आपको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मर्यादा बढ़ाने के लिए कह रहा है। यू विल नॉट बिलीव, साधारण सी लड़की साधारण से घर में रहती है, बड़ा नॉर्मल घर है उसका, इनमें से बहुत सारे लोगों का घर इनसे बहुत बेटर रहेगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि पिछले बार 30,000 की, अभी की बात कर रहे हैं, 30,000 तनख्वाह ली, लेकिन जहां प्रभु के लोग हैं बुद्धि पीछे पड़ जाए, पढ़े लिखों का ज्ञान पीछे पड़ जाए, ऐसा प्रभु लोगों के लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं ऐसा करता है। और इस बार इसने कितनी तनख्वाह ली? 47,000। इसका होने वाला पति बहुत खुश है, मेरे तो निकल पड़ी बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कोई और तो बहुत दुखी है, मेरे तो निकल गई जो थी वो भी। इसका पति बोल रहा है नहीं मैंने बहुत, लेकिन सच्चे अच्छी बात क्या मालूम, इसका होने वाला पति इससे ज्यादा प्रभु में गाड़ी में लेकर मीटिंग करता है, मिनिस्ट्री करता है, प्रेयर को रात को 5-12, 1-2-3 कभी भी बुलाए। ये होता है लवर। कोई है जो कहेगा अमेन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? God is amazing. जोरदार ताली, God bless you. अब दौड़ने का आगे ही आपको मालूम नहीं, हम लोग इस चीज के लिए, मैं पर्सनली प्रे कर रहा हूं, जैसे न्यूज मिली हम लोग उछल रहे थे, कूद रहे थे आपके लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने खुश हैं हम लोग कि जिस टीम के साथ काम करते हैं उनको यहां से यहां पर प्रभु लाना चाह रहा है। अपनी भूख और प्यास बढ़ाइए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, अपनी मर्यादाओं से बाहर निकलिए। काना गांव में कितना दाखरस दिया जा रहा था, इतुसा एक पैग वाइन खत्म हो गई, वाइन जिस बर्तन में था वो छोटे छोटे बर्तन थे। प्रभु ने कहा भैया मुझसे मांगा है ना, मुझसे मांगा है। औरत ने कहा, मरियम ने कहा कि वो जो कहे वो करना, दाखरस खत्म हो गया था, छोटे छोटे बर्तन होंगे। लेकिन फिर यीशु के पास आए, यीशु ने कहा नहीं, वहां पर शुद्धिकरण के बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे जिसमें 2-3 मन बहुत ज्यादा हो गया। ये ड्रम्स जो 200 लीटर के ड्रम होते हैं उससे ज्यादा, उसने कहा पूरे ड्रम्स में। सोचिए आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ला रहे हो, थम्सअप, मैं थम्सअप पीता हूं, थम्सअप की बॉटल लाए, ज्यादा से ज्यादा 2.25 लाओगे। बिग कोला 3 लीटर का आता था, बंद हो गया वो भी, जब से उनको मालूम पड़ा पास्टर स्मिता का नजर खाली, कहां पैसा बचे वहां थी, तो 2.25। और फिर अब कोल्ड ड्रिंक पी रहे, खत्म हो गया। लोगों को कितना दे रहे हो? चल हो गया, त्रिपुरा निकल तू, इतना ही। लेकिन सोचो आप किसी पार्टी में गए, वहां ड्रम भर भर के कोका कोला, थम्सअप, स्प्राइट एंड मिरंडा रखा हुआ है। अब प्रभु ने कहा चमत्कार मेरे से एक्सपेक्ट किया है ना, दुनिया से किया तो वो खत्म हो गया, वो दाखरस खत्म हो गया, इतना ही था खत्म हो गया। लेकिन तुम मेरे पास आए हो, मेरी माँ ने मेरे पास भेजा है, तुम्हारी आंखें मेरे पास हैं, तुम्हारी दृष्टि पर्वत के पास है, तो फिर मैं तुम्हें भर भर कर दूंगा, मर्यादा से ज्यादा दूंगा, और क्षमता से ज्यादा दूंगा, अनंत काल तक टिकने वाले आशीष दूंगा। और प्रभु ने कहा
अनलिमिटेड प्रभु ने कहा वो 6 घड़े थे, कितने घड़े थे, दो दो तीन तीन मन और 6 × 18 18 मन प्रभु ने उनको दिया और इतना दिया, उन लोगों का विश्वास देखिए उनने भी मुंह तक भर दिया, अब दे ही रहे तो पूरा लो, कम क्यों रखे पानी, पूरा पानी भर दिया। एंड यू विल नॉट बिलीव, पब्लिक ने जो दिया, जिसने शादी ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने जो दिया वो खत्म हो गया, लेकिन ऊपर वाले ने जब दिया लो पी कर छक हो गए। अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। गॉड वांट टू लिफ्ट यू अप, तुम एक उकाब हो, तुम्हारा जन्म आसमान में उड़ने के लिए हुआ है। एवरीबॉडी आप उड़ने का ऊपर उड़ने का समय है, उड़ने का समय है। बगल वाले को बोलो उकाब जैसे बन, सुनो सुनो सुनो, बगल वाले को लग रहा है मैं कौवा हूं, मैं तो उड़ नहीं सकता, मैं मुर्गी हूं, मुर्गी कैसे उड़ती है, इतना तो बस। लेकिन प्रभु ने हमको मुर्गी नहीं, हमको कौवा नहीं, हमको सबसे ऊपर उड़ने वाला। बगल वाले को बोल उकाब जैसे बन, जोरदार तालियां खुदा को, हालेलुया, जोरदार ताली, जोरदार ताली। मिनिस्ट्री भी कर रहे हो ना, तू तुसा काम मत करिए। कल से हम बहुत सारे ब्रांचेस में 5 दिन नॉनस्टॉप प्रेयर, उस ब्रांच में आ जाइए, भर भर कर कमरे में आ जाइए, छप्पर खोलकर बैठिए कफरनूम के जैसे, 5 दिन दुआ होगी और 6वें दिन हर जगह पर एरिया पास्टर आके प्रचार करेंगे। एंड आई बिलीव 6वें दिन क्या हुआ था, 6वें दिन दुगनी आशीष मिली थी, डबल मिला था, डबल डबल मानना मिला था। अपनी सोच को बढ़ाइए, कोई है जो कहेगा अमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, नहीं मुझे एक चर्च छोटा चर्च, नहीं, पुणे का ये ऑडिटोरियम्स, ये कॉर्पोरेशन वाले पास्टर स्मिता एक्ट फाउंडेशन मुझे पहचानते, मालूम क्यों, क्योंकि पुणे का कोई ऑडिटोरियम नहीं जहां पर हम लोग प्रभु के लिए खड़े नहीं होते, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। 5 दिन प्रार्थना होगी, 6वीं प्रार्थना जिस भी दिन होगी, जरूरी नहीं कि इमीडिएटली होगी, पर जिस दिन भी होगी आई बिलीव वो डबल पोर्शन, जो भी लोग वहां पर हैं उनको दुगनी आशीष। और ये प्रार्थनाएं एरियाज में चलेगी। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि पास्टर लोग अपना विश्वास कैसे बढ़ाते हैं। 10 जासूस के जैसे रोना लेकर आते हैं, या कालेब और योशुआ के जैसे और ऑडिटोरियम में प्रार्थना लेते हैं। मैं नहीं आऊंगा प्रचार के लिए, डॉक्टर अर्चना नहीं आएंगी, वो सांगवी में खाली चर्च में प्रीच करेंगी और सारे पास्टर्स अपना प्रीचिंग करेंगे। एंड बिलीव 5 दिन की प्रार्थना शुरू हो रही है। ओह मिनिस्ट्री, अब हम चलेंगे नहीं, मिनिस्ट्री कैसे, कुछ लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री चल रही है, क्या हो रही है, लॉकडाउन में कई लोगों की मिनिस्ट्री खत्म हो गई, कुछ लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री क्या कर रही है। लेकिन लॉकडाउन के बाद हम पहले एक ही ऑडिटोरियम में चर्च लेते थे, वो भी इसका 1/3 ऑडिटोरियम था, महाराष्ट्र कैटरिंग कॉलेज ऑडिटोरियम, 1/3 था। लेकिन लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस के बाद हमारी मिनिस्ट्री चल नहीं रही थी, दौड़ रही थी, क्योंकि मजीद भाई को हम उनमें ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग बहुत मजाक करते हैं, तो क्योंकि लॉकडाउन के पहले जो फायर कैंप हुआ था उसका शीर्षक था दौड़ने का समय। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लॉकडाउन के बाद अपने 3 ऑडिटोरियम में प्रार्थना चर्च शुरू हो गया, 3 ऑडिटोरियम। तो लोग कहते हैं मिनिस्ट्री कैसे कर रही है, नहीं चल रही है, मिनिस्ट्री चलनी नहीं चाहिए, अब दौड़ने का आगे ही दौड़ने का समय, या 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 आत्मा से भर दिया, हालेलुया,
जाकर कोई है जो कहेगा हालेलुया। विश्वास, रोटी मांगोगे तो रोटी देगा, मैं तो कह रहा हूं रोटी के साथ बोटी भी मांगना शुरू कर दो। आमीन। मजा नहीं आ रहा, कोई है जो कहेगा आमीन। एक मंजिला घर है, प्रभु बोला प्रभु दूसरा भी देना। लोग बोलेंगे लालच, लालच नहीं, माड़ी वर्चे खोली मध्य पवित्र आत्मा उतरू नाला होता, ऊपर वाली कोठरी में पवित्र आत्मा उतर कर आया था, ऊपर वाली कोठरी पर प्रभु के सेवक के लिए एक कमरा, एक बरसाती, एक मेज रखी गई थी। बोलना ऊपर वाली कोठरी प्रभु के लोगों के लिए। कोई है जो कहेगा मेन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह के। छोटा सोच रहे 1 BHK, 2 BHK सोचना शुरू कर दो। 2 BHK तो 3 BHK। आमीन। हमारे पास कुछ नहीं, मैं आज ही पास्टर को बोल रहा था अपना नया वाला घर कितना बड़ा होगा। अर्पिता कहाँ सोएगी, पास्टर्स पिता कहाँ सोएंगे, ये सब हमारी चर्चा चल रही थी आज। टाइम था, मैंने कहा चलो आशीष की बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आज सैटरडे का दिन है, हम बड़ी बड़ी बातें इसलिए करते क्योंकि हमारे पास उसको पूरा करने वाला खुदा है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। गॉड वांट टू लिफ्ट यू अप। उसने तुमको पूंछ नहीं, उसने तुमको मस्तक बनाया है। तू उधार लेगा नहीं, तू उधार देगा। कोई है जो कहेगा आमीन, आमीन। ओके, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी फटाफट दान अपना हम लोग फटाफट ले लेंगे और फिर हम लोग इसी गाने को लेकर चलेंगे और ऑफरिंग डालेंगे। देन वी आर गोइंग टू प्रे, इस विश्वास के साथ कि प्रभु आपकी औकात बढ़ाए। आई एम जस्ट एक्साइटेड टू टेल यू कि हमारे मेरे स्टूडेंट अभी जो सीख रही है दामिनी सिस्टर, मैं एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, खड़े होकर ताली बजाना इसके लिए कि हमने तीन हफ्ते हो गए हैं आलंदी में भी काम शुरू कर दिया है। आलंदी में खड़े होकर ताली बजाना, आलंदी में बिल्कुल हम लोग बिल्कुल एक बकायदा हॉल में ओपनिंग करेंगे, लेकिन ऑलरेडी चर्च शुरू कर दिया है। पास्टर के पास पॉड है, पास्टर के पास सुस गांव, राइट, वहाँ पे कुछ प्लानिंग चल रही है। एंड आई बिलीव कि हमारे पास लवले सुस गांव पूरा पट्टा अपना जी प्रार्थना चल रही है, टिकट जो हिंजोवड़ी एंड दीपक लोग ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं वहाँ के पूरा एरिया में। सच में काम हो रहा है, उसी एरिया में काम और बढ़ रहा है। गॉड इज मल्टीप्लाइंग हिज वर्क, क्योंकि टैक्स मेरे डैडी के पेंशन पे टैक्स हो रहा है। मतलब प्रभु जी आशीष, कितनी आशीष की पेंशन पे भी टैक्स कट हो रहा है। जोरदार ताली, नहीं जो आपकी ताली नहीं बजा, जल रहे आप लोग। हाँ, हमारे जो पेंशनर्स हैं वो उनका टैक्स कट रहा है। बोईटे सिस्टर टैक्स कट रहा है तुमसे। हाँ, कटल मी लेक आप तो तुमसे मैं जी प्रार्थना से कि योड़ा पेंशन वाड़ा पाइजे। ऐसा कुछ हुआ है क्या, मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। कुछ हुआ इधर, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये आइए जरा, कुछ हुआ है क्या, ऐसा कुछ कुछ है खबर आपके पास, मुझे प्रभु दिखा रहा है कुछ। यू वांट टू स्पीक समथिंग, कम ऑन गिव हर माइक हियर, कम ऑन, गॉड इज टेलिंग मी, कुछ दिखा रहा है, आप बोलना चाहिए, बोलो बोलो बोलो। हाँ, पेंशन पे मैं लिटरली प्रेयर कर रहा हूँ कि पेंशन इतनी बढ़े कि टैक्स लगे। हाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, यस सिस्टर बोलिए, कुछ बोलना चाहिए आप। परमेश्वर धन्यवाद देते, काल परवास एक GR आला आणि आमच्या कॉर्पोरेशनमधून, जे 30 June 2006 रिटायर झाले त्यांची माहिती मागवली, त्याच्यामध्ये मी बसले आणि आम्हाला एक वाढीव पगारवाढ परत देणार आहे आणि जितक्या ह्याच्यापासून आहे ते पूर्ण पैसे। किती देखिए, किती बडी बात नाही, आपलं ताली नाही बजा रे, ताली नाही बजा रे आप लोग। अच्छा सिस्टर, हम लोग मिले क्या, आप और मैं मिले, आपने ये मुझे बताया नहीं, मेरे को ये जब मैं डैडी के लिए बोल रहा हूँ स्पिरिट अचानक उनका नाम ले लिया मैंने। कल हो गया, मैं कल ऑफिस जाके आई। देखो मेरे को नहीं मालूम, मैं इधर मुझे प्रभु दिखा रहा है कि गॉड इज यू नो गोइंग टू ब्लेस। आप लोग विश्वास कम रखते हैं, आप बड़ा बड़ा विश्वास करो, मेरा प्रभु बड़ा बड़ा जोरदार। सिस्टर गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ताली। और मैं आपके बेटे की गवाही, पता नहीं मुझे आज तक पहुंची कि नहीं वो, लेकिन अगले सैटरडे मैं लेना चाहूंगा उसको। ओके, वो भी मैं लेना चाहूंगा, अभी ले लूं, है अभी कुछ वो क्या हो गया क्या, मुझे पता नहीं, गवाही है बाद में बोलते हैं, बाद में लेंगे उसको, टाइम अच्छे से मैं शूटिंग करूंगा उसको। गॉड इज वंडरफुल, कोई है जो जोरदार ताली बजाएगा। हमारे ऋतिक ने बोला कि हमारा पूरा सुनावने परिवार विदाउट लोन आएगा, कोई लोन नहीं निकालेगा, हमको इजराइल आना है। मैं तो परेशान हूं कि यार आपको मौका मिल रहा, पैसा देखकर आपको विश्वास, आप बोलोगे आना है तो भी नहीं आ सकते, राइट पास्टर, अच्छा थोड़ा सामने आ जाओ, आ सकते अभी नहीं,
हमारी पूरी सीट्स भर गई है, लिस्ट जा चुकी है, एंड आई एम वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। और वो दिन कब आएगा जब मुझे खबर मिलेगी कि किसी का वीजा रिजेक्ट नहीं, वो सारे पास हो गए। हम लोग सब इकट्ठे 15 अगस्त को फिनिक्स मॉल जाएंगे, सब लोग साथ में विल एंजॉय एंड विल डू शॉपिंग्स। एंड 15 अगस्त को जितने भी सेल मिल रहे हैं सगले लोग अपने सस्ती। आमीन। अनिल किधर गया? अच्छा इधर मलो बाई कुछ नहीं। हाँ गॉड ब्लेस यू अनिल पक्का। ओके आई बिलीव, मुझे पूरा यकीन है गॉड इज गोइंग टू डू वंडरफुल थिंग। प्रभु अद्भुत काम करेगा एंड वी आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टाइम। तो आइए अपने ऑफरिंग को सब लोग खड़े हो जाएं। ये आपका ऑफरिंग है, ये मेरा भी ऑफरिंग मेरे पास है। अर्पित आपको दिया मम्मी ने। ओके ये आपका ऑफरिंग है। आप इसको बीज बोते हो तो क्वालिटी क्या है? बीज बोते हो तो बीज में से बीज आता है। हेलो, बीज बोने के बाद बीज में से बीज आता है कि पौधा या पेड़ आता है? यानी बीज कैन, ये ऑफरिंग कैन मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीषों को ये मल्टीप्लाई कर सकता है। ऊपर कर लो और आपका टाइथ दशमांश। कई लोगों ने मतलब ऑनलाइन देने वाले तो वाटपन भगतने में मैं हैरान हूँ सोच के कि लोग जैसे मिलता है डाल देते हैं, चर्च में आने का भी इंतजार नहीं करते हैं। वी प्रे फॉर देम, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं मंडे को प्रार्थना या ट्यूजडे को जैसा टाइम मिलेगा मैं आई विल प्रे। हम लोग एक रुपये हम लोग भी खर्चा नहीं करते। हम आपको बोलते हैं ना खर्चा मत करो, हम भी खर्चा नहीं करते। पास्टर स्मिता ये सब लिस्ट लेकर आती है, बजट लेकर आती है कि पास्टर यहाँ पेमेंट करना है। मैं कहता हूँ नहीं, जब तक मेरे पास टाइम नहीं है मैं प्रेयर नहीं करूँगा। प्रेयर करने के बाद फिर आप लोग को जो कैलकुलेट करना है, जो चेक्स लेने हैं साइन करिए, जो करना है करिए। कम ऑन लिफ्ट अप योर हैंड। आई बिलीव जिन्होंने 15,000 दिए उनको आगे कभी किस्त देनी है विश्वास से। आपके घर हैं, परिवार हैं, आपकी जरूरतें, खड़ा हाथ खाते उठा लो। यस पास्टर कैन यू जस्ट हालेलुया विद माय हैंड्स लिफ्टेड। हाथ ऊपर है, माउथ में वर्शिप करना शुरू करो। आप प्रोफेसी करो खुद के लिए, भविष्यवाणी करो, स्वतः सर्टिफिकेटरी बोला खुद के लिए बोलो कि प्रभु मेरा पैसा इतना होना चाहिए, मेरी इतनी इतनी जरूरतें हैं, मेरे बच्चों की इतनी इतनी फीस है, मेरे इतना इतना खर्चा, इतना इतना किराया। कमन बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। ब्लेसिंग सर्विस चार्ज, कमन बोलो 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 बोलो। प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मेरा ये पैसा डबल कर, प्रभु मुझे ईएमआई भरना है, 0% इंटरेस्ट पे मैं लूंगा, मैं ब्याज नहीं भरूंगा। प्रभु से बोलो बोलो बोलो, प्रभु मेरे बंधन तोड़, मेरे परिवार में आर्थिक जो कर्जे प्रॉब्लम्स है यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। श्राप मिटाने को वो आया। ओ शा खबर रिखे मो तू रुबो साना मनी मरा विद माय हैंड्स लिफ्टेड अप एंड माय माउथ फुल विद प्रेयर With the heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. You, my Jesus. I will bless thee, O Lord. With the heart of thanksgiving, everybody. Davini. I will bless thee, O Lord. Yes, hallelujah. Open for your children. स्वर्ग के दरवाजे को तो खोल दे। हर एक व्यक्ति जो विश्वास के साथ आपके मंदिर में आए हुए हैं, विश्वास के साथ हर समय आपके भंडार में बोते हैं, वही परमेश्वर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना वो खर्च नहीं कर पाएंगे। यही विश्वास के साथ हम मर्यादा बढ़ाने का, हम परमेश्वर
परमेश्वर उमड़ने वाले हैं, हम उमड़ने वाले हैं, हम बढ़ने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के महान जीवित अद्भुत नाम से दुहा करते हैं। सुना ग्रहण कीजिए, जोर से कहेंगे बिलीव मी, प्रभु आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आप कहते हैं अमेरिका, आप कहते हैं इंग्लैंड, आप कहते हैं यूरोप, बहुत पैसा है वहां जा रहे हैं जॉब करने के लिए, नहीं, क्रिश्चियन लोग वहां से पैसा आएगा इस वेट, इस चीज का इंतजार करते हैं, लेकिन उनको पैसा कहां से आ रहा है? उनको पैसा केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका खुदा यस्सु है। तो हमको यूरोप अमेरिका वहां से पैसे की जरूरत नहीं है, हमको केवल उस यस्सु की जरूरत है। जो थैली अब्राहम ने दी थी वो खत्म हो गई, लेकिन फिर कुआं प्रभु आपको झरना देना चाहता है। अदन के बगीचे से वो महानदी आपको सबको, कितने लोग थे मुझे पता नहीं, पास्टर क्लेरा के बर्थडे पर ये प्रोफेसी, कल भी मैं छोटी सी मिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा होली कम्युनियन के टाइम पे 1 बजे शार्प। आइए अब उमड़ने का, अब जब आ रहे हो ना ऐसा हो गया ना तो ये सोच कर रहे हो कि माता का पगड़ वर्णर नहीं है, लेकिन आप ला 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 ऐसे आओगे, मतलब आप विश्वास कर रहे हो आपकी बॉडी में, शरीर में, कि हाँ मेरा पगार बढ़ने वाला है, मेरे बंधन टूटने वाले हैं, मेरी क्षमता बढ़ने वाली है। हालेलुया, आर यू रेडी? आर यू रेडी? आइए हम प्रार्थना में जा रहे हैं। 10 मिनट्स, गॉड इज गोइंग टू टच यू, He's going to capture your situations, your body, आपके शरीर, आपके परिस्थितियों का कब्जा लेने जा रहा है। चेलों के हाथ से परिस्थिति निकल गई तो नाव डूबने लगी, लेकिन जब कब्जा खुदा ने ले लिया तो नाव तैरने लगी और किनारे पर भी पहुंच गई। यकीन मानिए, He want to lift you up। हमको इसके लिए धनवान होना है ताकि खुदा को दे सके। लालच नहीं कर रहे हम लोग, अपनी जरूरतें तो पूरी होगी होगी, आपके बच्चों को बेहतर परवरिश मिलेगी, आपने जो खाना खाया आपके बच्चे उससे अच्छा खाना खाएंगे, आपने जो कपड़े पहने थे आपके बच्चे उससे बेटर कपड़े पहनेंगे। मैं जब बड़ा हुआ मेरे डैडी के पास एक ही टाई थी, वही टाई मैं पहनता था, मेरे डैडी पहनते थे जब मैं बड़ा हो गया तो मैं वो टाई पहन लगा, ब्रॉड टाई अभी भी मेरे पास है वो, लेकिन अब मेरे वार्डरोब में बहुत सारे टाई 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 शैतान की टाई टाई फिस मेरे पर टाई टाई ये ब्लेजर्स तो होते नहीं थे, ब्लेजर यानी खाली ऊपर वाला जैकेट, फिर दिल्ली में कहीं पर 150-200 रुपए का मिलता था, रास्ते पर हम वो उठा के लाते थे, लेकिन प्रभु ने अभी इतना दिया कि पूरे मेरे वार्डरोब पे इतने सूट्स हैं कि आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते, क्योंकि मैंने इस विश्वास से नौकरी छोड़ी थी कि पैसा कमा के साल में 2 बार सूट खरीदता हूं, और मैंने इस विश्वास से नौकरी छोड़ी थी कि यदि मेरी कंपनी मेरा तनख्वाह मुझे साल में 2 बार सूट दे रहा है तो इस दुनिया को बनाने वाला जिसका मैं पीछा कर रहा हूं, जिसके पीछे मैं जा रहा हूं, मुझे अब तो मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, शोरूम वाले खुद घर पे आके सूट देकर जाते हैं। गॉड इज रेडी टू ब्लेस यू, आप जैसे मांगोगे वैसा मिलेगा। प्रभु को मालूम था बर्तुल में ये अंधा है, फिर भी उसको पूछा कि तू क्या चाहता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। बर्तुल्मै ने कहा प्रभु मुझे 100 की नोट दे दीजिए, क्योंकि 2000 की बंद हो रही है, 500 का भरोसा नहीं, 100 की दीजिए। नहीं, बर्तुल्मै ने कहा प्रभु को मालूम है अंधा है, फिर भी प्रभु ने कहा मैं क्या करूं। प्रभु ने उससे पूछा, प्रभु आपका विश्वास देखना चाह रहा है। और मेरे भाई मेरी बहन, उसने कहा प्रभु ये नोट तो दुनिया वाले देते हैं, आप मुझे आंखें दीजिए। कोई है जो कहेगा मैं? पहचानिए अपने पिता को। मेरा जो कल का मैसेज था यूट्यूब पे उसको सुनिएगा, बड़ा अमेजिंग है, एंकरेजिंग है, और जरूर आपको उत्तेजन मिलेगी। कितने लोग तैयार है अपने हाथ उठाइए। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप बाहर आ जाएं, ये जो भी पैसेज हैं आ जाए, सामने आ जाएं। आई एम गोइंग टू प्रे। मेरे पास्टर्स हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग उपवास करके आज प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, हर शनिवार हम लोग का यही है। सामने आ जाए, जल्दी जल्दी सामने आ जाए। अच्छा, 4-5 क्वायर वाले आ जाए भैया मेरे, अब बुलाने का इंतजार ना करें, मैं जी ड्यूटी है, माला यलाच पाई दी असर करूँ, यही क्वायर में जो भी है आ जाओ, 2-4-5 लोग आ जाओ जल्दी जल्दी।
क्या कहेंगे, दिलो जहां से भी मैं जरा पुकारू तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। प्रभु बारिश नहीं चाहिए, प्रभु आग चाहिए। पुराने नियम में प्रभु ने आत्मा दिया, लेकिन नए नियम में 120 लोगों को आग दी, आग, आत्मा का ही एक और रूप आग दिया। He want to give you fire। चलिए अपने हाथों को उठाइए, थोड़ा सा गैप रखिए। We will try to cover everyone। 10 मिनट में सबको कवर करेंगे। Jesus। ये सोचो, ये सोचो, आइए अपने हाथों उठा ले। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हाथों उठा ले। He's touching you right now। वो छू रहा है, 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 वो छू रहा है। Let the holy power, let the holy power। पास्टर थोड़ा पीछे चल जाए, ये मैं लेता हूँ। हालेलुया, वो छू रहा है, वो छू रहा है, वो। अच्छा पास्टर आप ये इतना ले लीजिए यहाँ से। हालेलुया, शाता रबा बा 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 रबा रबा। ओ तेरे बंदे तुझे सुनना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ ये सोचो, आइए पवित्र आत्मा आ रहा। Let the holy power, let the holy power, let the holy power, let the holy power। आप पीछे जाइए, पीछे जाइए, मेरे साथ दो तीन लोग।
प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं कि तेरी मौजूदगी को हम चाहते हैं प्रभु। जो कोई यहाँ पर आया है प्रभु, खाली हाथ नहीं लौटेगा, लेकिन प्रभु तेरी सामर्थ से भर कर लौटेगा, क्योंकि तू देखने वाला परमेश्वर है। तू नहीं चाहता प्रभु कि कोई बीमारी में रहे, कोई दुख में रहे, कोई तकलीफ में रहे, कोई बंधन में रहे। मेरे खुदाबा, तू हमसे प्यार करता है। तूने उस लड़के को देखा मेरे खुदाबा, वो धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आज जो कोई यहाँ पर आए हैं, शैतान उनके जीवन में हार चुका है। ओ प्रभु यीशु, बीमारी उनके जीवन में हार चुकी है, तकलीफें बंधन उनके जीवन से टूट गए हैं मेरे खुदाबा, क्योंकि तूने देखा है, क्योंकि तूने तेरे बच्चों को देखा है। धन्यवाद देते हैं आज का ओ प्रभु, जो वचन है, जो बोया गया है, वो 100 गुना फल देने पाए। हर एक को तू आशीषित करना, यीशु मसीह के मीठे मधुर और विजयशाली नाम से मांगते हैं, सुनो तू ग्रहण कर। आमेन। सारे लोग विश्वास के साथ कहेंगे आमेन।